अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। तो आज है जी मेरी एक रिव्यू वीडियो। मुझे कुछ चीजें मिली हैं तो उनके ऊपर मुझे देना है अपना रिव्यू, वो दूंगी। शाहिद उस्मा पे भी बात होगी, ओवियसली उन पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मुझे आज रिसीव हुआ है उसके ऊपर मुझे अपना रिव्यू देना है। वो है दिस पैकेज जो मुझे आज रिसीव हुआ है। इस प्रोडक्ट का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने अपने बालों पे यूज़ की थी और उसका बहुत बहुत अच्छा 100% जो था वो मुझे उसकी जो मिला था। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूँ, इसकी पैकेजिंग ओवर से जब ये पोस्ट में आया तो मैंने खोल ली है। ये है जी कंपनी, अगर आप लोगों को नज़र आए तो फिलिप आप इसको ले सकते हैं। सब अच्छे जो हैं स्टोर से, मार्क्स एंड स्पेंसर से भी मिलता है, हर गुड स्टोर से आप इसको ले सकते हैं। तो आज हम इसका करेंगे लाइफ चेंजिंग हेयर। तो लाइफ चेंजिंग हेयर इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वाकई मैं आपको अपनी मिसाल दूंगी कि मैंने किस तरह से इसको अच्छे बहुत 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 अच्छी चीज है। ये बहुत ही अच्छी चीज है कि मैं आपको जितना इसका बताऊं उतना ही कम है। जो मैंने यूज किया था तो मुझे ऐसा लगा था, मैंने आपको शायद कोई 5 मंथ या 4 मंथ पहले जब बताया था कि मैंने अपना हेयर ट्रीटमेंट शुरू करवाया है तो मेरे जो बाल थे मुझे लगता है कि हेयर फॉल शुरू हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने मुझे जो ट्रीटमेंट दिया लेकिन उसके बाद हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई। लेकिन जो मेरा शक था वो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एक्सपर्ट्स ने जो मुझे बताया, सर का स्कैन किया, जो कुछ भी किया उसमें उन्होंने मुझे बताया कि कुछ नहीं है। अब जबकि मैं अपनी हेयर ड्रेसर के पास होके आई 2 वीक पहले जब हेयर कट करवाया तो उसने मुझे बताया कि टर्न्स एंड टर्न्स न्यू बेबी हेयर्स ग्रो हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो आज मुझे इसकी तरफ से आया कि मैं अपना रिव्यू जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो मुझे उन्होंने भेजी हैं कुछ चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हो सकता है वो आप सबके लिए बहुत बेनिफिट्स हों। जिन मेरी प्यारी प्यारी बहनों को या माओ को या आंटियों को या मेरी एज की बहनों को या मेरे से छोटी बच्चियों को या जो बहुत हेयर फॉल हो रहा है, जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगी कि इसको जरूर जरूर ट्राई करें क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि जो मैंने यूज किया था वो क्या था और इसके अंदर क्या है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ सारा जो है वो कंप्लीट इसका रिव्यू करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि इसके बेनिफिट क्या है, और इसके बेनिफिट जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ वो सारे शेयर करती हूँ। तो चलें जी शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर, और आप लोगों ने ये जरूर ट्राई करनी है। ये पैकेज जो है वो मुझे दिया गया है कि मैं इसका रिव्यू करूं, और मैंने ये चीजें पर्सनली यूज की हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था इसके साथ, जब मैंने अभी मेरे ख्याल से लास्ट वीक इसको पूरी जेली बना के आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो भी आप लोगों के साथ किया था। तो ये है विटामिन सी जेली। तो ये आपने अपना हेड धोने से पहले, यानी जब आपने शावर में जाना है ना, अपना सर धोने से पहले ये इस तरह साशे में आते हैं, और मैंने आपको पूरा इसका तरीका बताया था कि किस तरह इसको पानी में मिक्स करना है, बॉटल इसके साथ आती है। तो ये आपने सबसे पहले इसको जो है अब बालों को अच्छे तरीके से वेट करके, तो शावर लेने से पहले, शैम्पू करने से पहले आपने इसको लगाना है, और फिर 10 से 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। तो इसने अपना काम शुरू कर देना, उसके बाद आपने अपना शैम्पू जो नॉर्मल रूटीन में लगाते हैं और वो लगाना है। उसके बाद आ जाते हैं हम इस पे आ जाते हैं। ये है बाउंड बिल्डर। तो इसके साथ आपके जो हेयर होते हैं स्ट्रांग हो जाते हैं, उनमें एक अच्छी सी लाइफ आ जाती है, बहुत अच्छा हेल्थी फील करते हो। कंप्लीटली ये एक पूरा ट्रीटमेंट जो है वो बालों का इसके अंदर है।
तो इसका जो इस ट्रीटमेंट का जो मकसद है, जो जिसके लिए ये यूज होता है, ये आपके बालों को हेल्दी करता है, बहुत अच्छे आपके बाल इसके बाद हो जाते हैं। तो इसको भी आपने सेम तरीके से ही बिफोर शैम्पू यूज करना है। अब आपने देख लेना है कि अगर आपने ये वाला जो है वो आपने एवरी 3 वीक्स करना है, ठीक है, और ये वाला आप एवरी वीक यूज कर सकते हो। तो इसको भी आपने बिफोर शैम्पू अच्छे तरीके से आपने इसको वेट हेयर में ही इसको भी अप्लाई करना है, और फिर अच्छे तरीके से इसको 10 to 20 मिनट्स आपने छोड़ देना है। और लो अगर आप 10 to 20 मिनट से ज्यादा छोड़ो, लॉन्गर, तो मोर बेटर है। फिर आपने अपनी फिंगर के साथ अच्छे से अपने सर में मसाज करना है, फिर डायरेक्ट शैम्पू से इसको धो लेना है। तो बहुत 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 अच्छी चीज है ये भी। और उसके बाद आ जाते हैं इस पे, तो ये आपके बालों में एक इलास्टिक सी लगता है, जैसे आपके बालों में बहुत अच्छी एक जान पैदा कर देता है कि आपको। और इसके साथ आपको मिलेगा हेयर नेट, जो आप इसको लगा के तो आप इसको पहनोगे। ये मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इन चीजों को यूज करो। तो ये आता है इस तरह, ये आपके बालों में एक अच्छा बाउंस लेके आता है। जिस तरह का मर्जी आपने हेयर स्टाइल बनाना हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना अच्छा बाउंस आपके बालों में आएगा। मैंने तो जब से ये चीजें यूज करनी शुरू की है ना, लाइफ चेंजिंग है, लाइफ चेंजिंग है। बहुत 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 अच्छी चीजें हैं, और मैं कहती हूं कि हर किसी को ये यूज करनी चाहिए। और इनकी स्मेल बहुत अच्छी स्मेल है, बहुत। ये इस तरह की फॉर्म में, जैसे क्रीम फॉर्म में आता है ये, तो इसको आपने यूज करना है। मैं आपको यहीं से पढ़ के आपको बता दूंगी, बिफोर शैम्पू वेट हेयर में। तो आप इस तरह, क्योंकि ये आपको सेम 20 to 20 मिनट्स डबल टेक्सचर होगा, वंस अ वीक, ये वंस अ वीक आपने करना है, ये एवरी 3 वीक्स आपने करना है, ठीक है। ये वंस अ वीक आप लोगों ने करना है, और इसको भी मैं वंस अ वीक ही करती हूँ। ये वाला जो है ये भी मैं वंस अ वीक ही करती हूँ, मैं ज्यादा नहीं, यानी फिर मेरा ये ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये एक कंप्लीट आपके बालों के लिए ट्रीटमेंट है, जो आपके बालों में बहुत बहुत अच्छी एक लाइफ लेके आता है। ये बिल्कुल ठीक लिखा है उन्होंने, लाइफ चेंजिंग है। अब सो इस वाक्य ये लाइफ चेंजिंग है। आप इस चीज को यूज करके देखिएगा, आप फील करोगे कि वाकई ही ये एक लाइफ चेंजिंग है। तो मैं आपको इसका रिव्यू जो मैं दे रही हूं ना, मैं आपको गारंटी से बताऊंगी कि जो भी यूज करेगा वो करेगा। उसके साथ उन्होंने मुझे ये कुछ छोटी छोटी चीजें भी भेजी हैं, तो ये भी एक ट्रीटमेंट है, ये आप लगा सकते हैं वैसे ही जब आपने अपना हेयर स्टाइल करना हो। तो मेन जो चीज है ना, मेन जो चीज मैं आपको बताऊं, ये है और ये है, ये दो चीज डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में यूज करें। जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है, जिनके बाल गिरते हैं, मेरे बाल पता है ऐसे गिरते थे, इतने इतने गुच्छे। और ये आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, कि आप किसी भी कंट्री में है ना, आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके साथ इन्होंने मुझे भेजा है जी कुछ और छोटी छोटी सी चीजें भेजी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसमें क्या है। उसमें है जी बाउंड बेल लिफ्ट शेप, तो ये एक भेजा है उन्होंने मुझे। तो ये इसके अंदर है, तो ये बेसिकली सैंपल भेजा है उन्होंने मुझे। उसके बाद है बॉडी बिल्डिंग, ये है। तो बेसिकली इसमें आते हैं डिफरेंट डिफरेंट से ट्रीटमेंट, जो आप अपने बालों में यूज कर सकते हैं, पर मैं इनको आपको रेकमेंड करूंगी। आप इसको जरूर 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 मेरे कहने पे आप लोगों ने ये ट्राई करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। ओवरसी थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन
मैं कहती हूँ अपने बालों से ज्यादा, अपने से ज्यादा कोई भी चीज बंदे के लिए कॉस्टली नहीं होती। आपने बस अपनी चीज, अपने बाल देखने हैं ना यार, बस तो बात छोड़ो। तो ये तो हो गई मेरी आज इसकी रिव्यू की वीडियो, और बाकी एंड पे बात वही, शाहिद उज़्मा का साथ देना है, देना है। गिराने वाले चाहे उनको जितना मर्जी गिराएं, लेकिन उठाने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो उनका साथ ज़रूर देगी, ज़रूर देगी। इंशाल्लाह आपने हमारा साथ देना है और हमने उनका साथ देना है, और इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें जी, वीडियो कैन मैं यहीं पर करती हूँ, क्योंकि आज की पूरी वीडियो जो थी वो इनके लिए थी। तो लेती हूँ आपसे इजाजत, इंशाल्लाह अपनी रमापी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में, आपका वक्त मेरे साथ होते, क्योंकि मेरी प्यार प्यार फैमिली हो, लव यू मोर फैमिली, अल्लाह हाफिज़ हो, अल्लाह हाफिज़, और इसको ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़ हो, अल्लाह हाफिज़ हो, अल्लाह हाफिज़ हो।